लखनऊ विधानसभा में पास हुआ उत्तर प्रदेश संगठित अपराध निरोधक विधेयक यूपीको का विपक्ष ने लगाया दुरुपयोग किए जाने का आरोप, विधान परिषद में अगली परीक्षा। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी ने तेज की दौड़, शिवसेना टीडीपी और शरद पवार से मिलने के बाद लखनऊ में अखिलेश मायावती से भी करेंगी मुलाकात। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद बदले मायावती के सुर, कैराना नूरपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने से किया किनारा। योगी सरकार पर फिर भड़के ओम प्रकाश राजभर, बोले शेर हूं कुत्ता बिल्ली नहीं, क्रॉस वोटिंग के नाम पर पार्टी विधायक के घर छापेमारी की घटना से हुए नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बड़ी गलती, सिद्धरमैया की जगह अपने ही सीएम उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा को कह दिया सबसे भ्रष्ट। यूपी पुलिस को ऑपरेशन ऑल आउट का खौफ, नोएडा में बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी ने एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर, 50,000 का सिर पर है इनाम। बरेली में दो पशु तस्कर गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का फर्जी लेटर हेड कर रहे थे इस्तेमाल, दो थानों की मोहरें भी बरामद। भगौड़े विजय माल्या की संपत्तियों को ईडी करेगा जब्त, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश, लंदन में बैठा विजय माल्या करने जा रहा है तीसरी शादी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा 350 रुपए का सिक्का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव पर जारी किया जाएगा। बॉल टैंपरिंग मामले में सामने आया दूसरा वीडियो, इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में जेब में शक्कर भरते दिखे बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट, कोच डैरन लेमन का भी लिया जा सकता है इस्तीफा,